नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर बैतूल से, जहां बैतूल विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व कांग्रेस कोषा अध्यक्ष विनोद डागा का आज सुबह हृदयघात के चलते दुखद निधन हो गया। मिलनसार स्वभाव के धनी हंसमुख श्री डागा के निधन के समाचार मिलते ही समूची कांग्रेस पार्टी सहित राजनीतिक गलियारों और बैतूल की जनता में शोक की लहर व्याप्त हो गई। श्री डागा ने पूर्व कांग्रेस विधायक रहते हुए बैतूल के विकास में जहां अमिट छाप छोड़ी, तो वहीं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कोषा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का सफल निर्वहन भी किया। श्री डागा राजनीतिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम था, जिनके अनायास पर लोक गमन से हुई क्षति की शायद ही भरपाई हो। आज सुबह वे हमेशा की तरह पूजन करने दादा वाड़ी मंदिर गए हुए थे, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। खबर मिलते ही डागा हाउस एवं चिकित्सालय में लोगों के आगे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। श्री डागा के असामयिक निधन को एक राजनीतिक क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अपने सफल राजनीतिक जीवन में उनका लोगों से हमेशा जीवंत संपर्क रहा। इस व्यक्तित्व में ये खासियत थी कि वे कितने भी व्यस्त हों, आम लोगों के दुख सुख में वे सामने सबके खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। ऐसे सफल, जिम्मेदार, गंभीर, मिलनसार व्यक्तित्व को सत सत नमन है। बैतूल से प्रदीप डिगरसी की रिपोर्ट।